हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दरेश प्रधान यूट्यूब चैनल। चल दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो भी दोस्त की तरह बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले कुछ एक एरर के बारे में जो बहुत सारे लोगों को आता है। ओके, तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट, इसके अंदर आप देख सकते हो साइट हेल्थ के अंदर अगर आप जाते हो या टूल्स के अंदर, यहाँ पर साइट हेल्थ है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एक इश्यू यहाँ पर मुझे आ रहा है। आप देख सकते हो हैव अ डिफॉल्ट थीम अवेलेबल। ओके, अगर आप यहाँ पर जाते हो इसे सॉल्व कर दे तो आपकी वेबसाइट जो है अच्छे स्पीड से जो है ओपन होगी और आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पर जो है व्यू देखने को मिलेगी, उसके साथ आपका जो स्पीड भी बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक हीरो आ रहा है, यहाँ रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट कहाँ है, तो इसे आपने जो फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर इसने लिखा है थीम्स एड योर साइट लुक एंड फील्स इम्प्रूव टू कीप थीम अप टू डेट टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर ब्रांड एंड कीप योर साइट सिक्योर। ओके, तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी वेबसाइट अगर आपकी थीम किस कारण से अगर अपडेट होती है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो वो जो बेसिक आपकी जो थीम्स होगी या फिर आप जो उसे यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर जाते हो प्लगइन के अंदर या फिर आप यहाँ पर थीम्स का एक ऑप्शन होता है अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप अगर जाओगे तो जो भी अपनी थीम्स यहाँ पर डाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है हिट मैक की जो थीम लगाई। ओके, इससे कुछ हो जाता है तो जो है आपकी साइट जो कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इसका जो बेसिक थीम है वो भी इंस्टॉल करके रखी हो तो क्या होगा, आपकी जो है उस थीम के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। अगर इस थीम को कुछ हो जाता है या अपडेट हो जाती है या फिर जो है ऐड टू अपडेट हो जाती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके कभी आपकी वेबसाइट की जो थीम से कोलैप्स हो जाती है या फिर उसमें अपडेट आ जाता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, वो क्या करता है उस पर आपको जो है आपकी जो दूसरी थीम से उस पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर आपका जो है एक डिफॉल्ट थीम आपने डालनी होती है। ओके, जो भी आपकी डिफॉल्ट थीम होती है 2020 होती है या जो भी आपको डालनी है डिफॉल्ट थीम, वो आपने डाल देनी चाहिए। ओके, तो किस तरह से इसे फिक्स करते हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम मैनेज थीम पे जाते हैं। ओके, इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ओके, न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको जो है एक यहाँ पर आप देखोगे जो आपने थीम्स इंस्टॉल किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू पे जाकर क्लिक करना है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू के अंदर। ओके, न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको जो है 2020 जो डिफॉल्ट थीम है वो आपको दिखाई दे, सिंपल सा आपने इसे इंस्टॉल करना है। ओके, सिर्फ इंस्टॉल करना है, इस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ क्या करना है, इस तरह से इसे इंस्टॉल करना है सिर्फ। ओके, जैसे इंस्टॉल हो जाती है आपने एक्टिव नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल करना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर थीम से आना है और यहाँ पर आप जो है रिफ्रेश कर देख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो आपने इसे जो है एक्टिव किया और यह जो आपकी डिफॉल्ट थीम है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो थीम दिखाई दे रही है। ओके, फिर से आ जाता मैं आपके एरर पे यहाँ पर। ओके, और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर जाकर। अब देखते हैं हमारा जो है सॉल्व है, आप देख सकते हो हमारा जो एरर था वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपने जो आपकी वेबसाइट, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेट जॉब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरी वेबसाइट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो साइट पूरी जो है गुड आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, बहुत ही ईजी सा था। ओके, बहुत सारे लोग इसके अंदर से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से आपने करना है, क्या करना है। ओके, तो मैंने बहुत ही ईजी वे से आपको सिखा दिया कि किस तरह से आप जो डिफॉल्ट थीम का जो एरर है किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ओके दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, उसी के साथ साथ नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।